फार्मर है जो 1 एकड़ 2 एकड़ में 5 एकड़ में लगाना चाह रहा है, तो उसके पास वाटर सोर्स रहना चाहिए, पंप रहना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी फिल्टर, जिसको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर कहते हैं, और इसका काम है बालू को छानना। इसका काम है बालू को छानना, और यहाँ से पानी नीचे आता है, नीचे से पानी फिर ऊपर जाता है। ये काम कैसे करता है, थोड़ा हम जा रहे हैं ब्रीफ में। ये काम करता है जैसे आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जब बारिश होता है तो क्या है, बारिश जब होता है तो इतना स्पीड से, जब तेज बारिश होती है तो गड्ढा में पानी जमा होने लगता है और एक फैन टाइप का होने लगता है, और फैन जब होता है तो जो कंकड़ पत्थर नीचे पड़ जाता है और पानी ऊपर चला जाता है और फैन भी ऊपर रहता है, तो इसमें यही गंदगी यहाँ आके बैठ जाता है नीचे। ये जो आपका टंकी है छोटा सा, टंकी इसमें आके बैठता है और पानी फिर ऊपर से बाईपास हो जाता है, और यहाँ से फिर ये हो गया आपका सेकेंडरी फिल्टर। ये एक सेकेंडरी फिल्टर है, वहाँ से जो गंदगी नहीं छान पाता है पानी भी ये छानता है, इससे छक के पानी फिर नीचे आता है। और ये आपका हो गया मेन लाइन, यहाँ से आप मेन लाइन जोड़ते हैं। मेन लाइन जो है वो गड्ढा में जाता है, गड्ढा में क्यों डालते हैं, 2 फीट गड्ढे में डालते हैं इसको, 2 फीट इस गड्ढा में इसलिए डालते हैं, जैसे कि आप जुताई के समय ट्रैक्टर चलाएंगे या किसी भी चीज से जुताई करेंगे तो उसको डैमेज ना करें, इसलिए 2 फीट इसको नीचे डाल देते हैं। और एक सब लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब लाइन है, सब लाइन से सब लाइन को भी हम क्या करते हैं, गड्ढा में ही डालते हैं, सब लाइन को गड्ढे में डालते हैं, इसलिए सब लाइन बोलते हैं। ये हो गया सब लाइन, और सब लाइन में हर एक सब लाइन में 4 फीट का छेद करते हैं, 4-4 फीट में छेद करते हैं, और वहां से 2 फीट ऊपर निकालते हैं, 2 फीट गड्ढा से, जैसे 2 फीट गड्ढा की उससे थोड़ा ऊपर निकाल के कनेक्टर लगाते हैं यहाँ पे 2 फीट, सपोज करिए यहाँ तक 2 फीट गड्ढे में डाल दीजिए इसको, डालने के बाद इस कनेक्टर को निकालेंगे तो इतना ही मिट्टी के अंदर चला जाएगा 2 फीट, बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसको लेटरल बोलते हैं। तो ये जो लेटरल है ये क्या है, फील्ड में बिछा रहता है हर एक 4-4 फीट, और हर एक 40 सेंटीमीटर पे ये बूंद बूंद पानी गिरेगा, तो हर एक पौधा के जड़ में पानी जाएगा और खाद भी जाएगा। सर वो जोतने में डिस्टर्ब नहीं होगा, कनेक्टर लगा हुआ है, आप इसको खोल सकते हैं, देखिए इसको खोल दिए, ठीक है, इसको खोल के आप समेट के रख सकते हैं, इसको खोल के समेट के रखिए, फिर जोताई करके फिर इसको लगा दीजिए यहाँ पे, ये तो इतना अंदर ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा, 2 फीट पूरा अंदर चला जाता है, ये ऊपर फील्ड में बिछेगा, हर एक 40 सेंटीमीटर पे पानी गिरेगा, ठीक है। तो आप हर एक पौधा में पानी जाएगा, हर एक पौधा में खाद जाएगा, और ये हमारा क्या है, फर्टिलाइजर वेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी क्रिएशन करता है, यहाँ से इसको थ्रॉट करते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोटल वॉल्व। तो इसको क्या करते हैं, थ्रॉट करते हैं 25% पे, जैसे थ्रॉट करेंगे पानी के साथ साथ खाद भी घिटना चालू करेगा। एक ड्रम लेंगे आप 100 लीटर का या 50 लीटर का, उसमें खाद को घोल के आपको डाल देना है, इसको ड्रम में डुबा देना है, डुबाने के बाद इसको थ्रॉट करना है 25%, तो इधर से पानी भी जाएगा और इधर से ये खाद भी जाएगा, ठीक है। सर डिकम्पोजर वगैरह भी आप लोग डालते हैं ना जी, तो आपका ये डिकम्पोजर भी खींच के दे देगा, दवाई भी जिसे पौधे को डालना है ना तो वो आपका इसी थ्रू चला जाएगा, दवाई खाद सारा चीज पानी। कोई भी डिकम्पोजर अगर डाल रहे हैं तो अच्छे से कपड़े से उसको छान लीजिए, छान के उसको डाल दीजिए ताकि गंदगी उसमें ना रहे, तो डिकम्पोजर को भी ये आपको खेतों तक पहुँचा देगा, हर एक जड़ पौधा के जड़ तक जाएगा। तो आपका क्या होगा कि फर्टिलाइजर पहले हम लोग जो छिड़काव करते थे उससे तो हम बच गए, हमको छिड़कने की जरूरत नहीं है, और जहाँ तहाँ छिड़कते थे तो क्या होता था, घास भी होता था, खरपतवार भी होता था, यूज नहीं है, जहाँ वहाँ भी जा रहा है, तो इसमें वहाँ जाएगा खाद आपका, जहाँ पौधा का जड़ है, हर एक जड़ में खाद जाएगा, हर एक जड़ में पानी मिलेगा। अब जैसे कि क्या करते हैं हम लोग जो पौधा लगाते हैं, ये पौधा जो लगाते हैं एक लाइन में जैसे 4-4 फीट में पौधा लगाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जहाँ पानी गिर रहा है वहीं पौधा लगाए, ठीक है। तो जो हम लोग बेड बनाते हैं 3 फीट का बेड बनाते हैं, 3 फीट और बेड का हाइट 6-8 इंच होता है, तो उस बेड में कहीं भी पौधा लगाइए, ये पूरा कैनोपी एरिया कवर करता है, ये पूरा पानी फैलता है,